सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। गहलोत की चाय पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सहित कई नेताओं ने की शिरकत। इधर दिल्ली में सचिन पायलट ने दिया पत्रकारों को लंच। किसानों पर केंद्रित रह सकता है चुनावी साल का बजट। फसली ऋण और सहकारिता को लेकर हो सकती है कई बड़ी घोषणाएं। बजट की घोषणा को 31 मार्च तक पूरा करेगा सहकारिता विभाग। सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने के क्रियान्वयन आदेश स्थगित। गृहमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। मंत्री राजेंद्र राठौर और वासुदेव देवनानी को बनाया गया सचिव। जयपुर हाईकोर्ट ने बच्चों में कुपोषण को लेकर जताई नाराजगी। प्रदेश में 40% जनसंख्या कुपोषण का शिकार, जिसमें 25% बच्चे। इधर नाबालिग को ढूंढने के नाम पर सैर सपाटा करने में पाली एसपी को फटकार। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब 1,10,00,000 की नकदी के साथ दो यात्री पकड़े गए। आयकर विभाग ने श्रीगंगानगर सहित अन्य जगहों पर आढ़त कारोबारियों के 12 ठिकानों पर मारे छापे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन में एसीबी। जयपुर के दूदू में पटवारी 4,000 की रिश्वत लेकर गिरफ्तार। जमीन की नकल देने के एवज मिली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बजट सत्र की। दलित छात्रा से अश्लील हरकत और जाटपुर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने की इजाजत के मुद्दे पर आज विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विधायक हीरालाल ने अश्लील हरकत के मामले में प्रिंसिपल की ओर से समझौते का दबाव डालने की बात कही, तो वहीं विधायक धीरज गुर्जर के बहाने बीजेपी पर जातियों को लड़ाने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। शून्यकाल की शुरुआत में ही विधानसभा में विधायक हीरालाल ने टोडा राय सिंह में प्रधानाचार्य द्वारा दलित छात्रा से अश्लील हरकत का मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल में बहिर्गमन करने वाले कांग्रेस सदस्य इसी दौरान सदन में आए। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और कहा कि दलित छात्रा से छेड़छाड़ हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मामले को टाला जा रहा है और जवाब देने के लिए सदन में गृह मंत्री भी नहीं है। विधायक हीरालाल ने अश्लील हरकत का मुद्दा उठाया और कहा कि टोडा राय सिंह में दलित छात्रा से अश्लील हरकत हुई है, प्रधानाचार्य ने अश्लील हरकत की है, साथ ही विरोध और जांच होने पर धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्रा पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है। वहीं जहाजपुर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने के मसले पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अंबेडकर की मूर्ति का मसला कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर ने उठाया और कहा कि नगरपालिका ने कलेक्टर को लिख दिया, नगरपालिका को एनओसी नहीं मिल रही, अंबेडकर आदर्शों की आज जरूरत है और राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने गुर्जर से सवाल किया कि आपने कितने पैसे दिए। इस पर गुर्जर ने कहा कि मैंने लाइब्रेरी के लिए पैसे दिए, अंबेडकर सर्कल में मूर्ति लगाएं। उधर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने जवाब दिया कि मूर्ति लगाना नहीं, हिंदू मुस्लिम झगड़े का आरोप लगाना इनका उद्देश्य है। संभागीय आयुक्त ने मूर्ति का स्थान उपयुक्त नहीं माना। संभागीय आयुक्त ने जारी कर दी स्वीकृति, तब स्थानीय लोगों ने आपत्ति की। अंबेडकर विचार मंच ने कहा पीडब्ल्यूडी की सीमा में लगाई जाए मूर्ति। संभागीय आयुक्त स्वीकृति के बाद नगरपालिका मूर्ति लगाएगी। मंत्री ने कहा कि विचार मंच दूसरी जगह और आप किसी और दूसरी जगह मूर्ति लगाने की कह रहे हो। विधानसभा में दलित राजनीति गरमाई रही। स्थानीय विधायकों ने अपने क्षेत्र की राजनीतिक जरूरत के हिसाब से इन मुद्दों को उठाया। ऐसे में हंगामा होने से काफी देर तक सदन बाधित भी रहा। शशिमोहन शर्मा, योगेश शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, ऐश्वर्य प्रधान, नरेश शर्मा के साथ ऋतुराज शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। वहीं विधानसभा में भाजपा विधायक घनश्याम तिवारी ने राज्यपाल अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव न रखने देने को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाया और सरकार को एक बार फिर से मुश्किल में डाला। नियम 15 के तहत बोलने को लेकर उन्होंने आसन पैरों पर होने और आसन के अनुरोध के बावजूद सदन का बायकॉट कर दिया। आलम यह रहा कि उनके इस कदम पर 15 मिनट से भी ज्यादा समय तक हंगामा होता रहा।
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के समय अजीब स्थिति पैदा हो गई। भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का सवाल उठाया और कहा कि मैंने राज्यपाल अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव दिया था और मुझे अब तक बोलने नहीं दिया गया। हालांकि राव राजेंद्र ने उनसे बैठने का निवेदन किया, लेकिन तेश में आए तिवाड़ी ने बॉयकॉट की घोषणा की। इस पर विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र उठ खड़े हुए और आसन के पैरों पर होने का हवाला दिया, लेकिन तिवाड़ी इस पर भी नहीं माने और उनके इस कदम पर हंगामा हो गया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण पर तिवाड़ी कहना चाहते थे, हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन तिवाड़ी का आचरण निंदनीय है। राजकुमार शर्मा ने कहा कि आप घनश्याम तिवाड़ी का रोजाना अपमान करते हैं। मानिक चंद सुराणा ने कहा कि तिवाड़ी को पहले दिन बोलने का मौका देना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा, तिवाड़ी का नाम है क्या? इस पर राव राजेंद्र सिंह ने कहा, इसके लिए आसन नहीं बाध्य है, आसन जब जिसे चाहेगा बुलाएगा। राव राजेंद्र ने सख्त लहजे में कहा कि उसे बाध्य न किया जाए। वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि उन्हें कल मैंने भी बोलने के लिए कहा था, वे खुद बोलना नहीं चाहते थे। आप निर्देश नहीं देंगे, बैठ जा। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सांगानेर से आने वाले सदस्य अल्पमत सदस्य नहीं है। सचेतक उप सचेतक तय करते बोलने का क्रम, सब सदस्यों में कोई न कोई खूबी है, किसी को सीनियरिटी का भ्रम नहीं होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल में आंतरिक लोकतंत्र है। वहीं राव राजेंद्र ने कहा कि कोई अनुशासित रहकर बोलना चाहे तो अनुमति देंगे, कोई बोलने से रोक रहा है ये मिथ्या है। दोनों उप मुख्य सचेतकों को राव राजेंद्र ने हिदायत दी, कहा आप दोनों से भी बाहर जाने को कह सकता हूँ। प्रतिपक्ष ने लगाया था आरोप, सरकार के मुख्य सचेतक ने नहीं दिया था तिवाड़ी का नाम, उपाध्यक्ष राव राजेंद्र ने दी व्यवस्था। दोनों पक्षों के सचेतकों के अनुसार नहीं दिया जाता है मौका, समय उपलब्धता मुताबिक सदस्य को नहीं दिया जाता है मौका। कोई गलतफहमी में नहीं रहे, किसी के दबाव में काम नहीं करता आसन। जिस सदस्य पर बहस कर रहे थे वे चले गए, उनका इतना भी धैर्य नहीं कि आसन की सुनते, और अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। वरिष्ठ सदस्य का नाम था, लेकिन कब पुकारता वो आसन पर निर्भर है। इधर विधानसभा के बाहर घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि जिस तरह से मुझे नहीं बोलने दिया गया, उस तरह मैं भी मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दूंगा। लगातार 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा में मुझे बोलने से रोका जा रहा है और मैंने नियमों के अंतर्गत राज्यपाल के अभिभाषण में नियम 15 के अंतर्गत संशोधन प्रस्ताव दे दिया था। उन्होंने मुझे मुद्दा उठाने का अवसर दिया और मैंने कहा कि ये जो नियमों के विरुद्ध मुझे बोलने से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में पूर्णतः आंतरिक लोकतंत्र है। श्री तिवाड़ी विधायक दल की मीटिंगों में लगभग 3 वर्षों से नहीं आ रहे हैं, पार्टी की कार्यसमिति और दूसरी मीटिंगों में भी नहीं आ रहे हैं, पर पार्टी की रीति नीति से पूर्णतः वाकिफ है। आज उनका सदन से बहिर्गमन, मैं समझता हूं कि अनुशासनहीनता के साथ साथ संसदीय परंपराओं के विपरीत है। वहीं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकारी सचेतक, संसदीय कार्य मंत्री, उप मुख्य सचेतक पर तिवाड़ी को बोलने न देने की साजिश बताई। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र की भी तल्खी सामने आई और उन्होंने आसन का सम्मान करने की नसीहत दी। शशिमोहन शर्मा, योगेश शर्मा, ऐश्वर्य प्रधान, अभिषेक श्रीवास्तव, नरेश शर्मा के साथ ऋतुराज शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए तो फिलहाल सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज दिनभर कार्यवाही के दौरान क्या कुछ हुआ, समराइज वे में जानने की कोशिश करते हैं। योगेश जी, आज दिनभर की कार्यवाही की हम बात करें तो क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, चुनाव बिल्कुल इसी साल होने हैं, तो ऐसे में दलित राजनीति, किसान राजनीति और घनश्याम तिवाड़ी जो कि अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, ये 3 बड़े मुद्दे आज सदन में छाए रहे। प्रश्नकाल के दौरान हंगामा रहा, उसके बाद भी रहा, चिकित्सा मंत्री को घेरने की कोशिश की गई। और हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा है जो कांग्रेस पार्टी के सचेतक है, हम उनसे ही बात करते हैं। अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो विवाद पनपा, और देखा हमने 3 उपचुनाव में कि दलित वोट कहीं ना कहीं बीजेपी से किसका, तो अब इस तरह के विवाद जब सामने आते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? समझ सकते हैं कि बाबा साहब भीमराज अंबेडकर की मूर्ति के लिए इन्होंने 4.25 साल तक वो निर्णय नहीं किया, और यहाँ पर जो बाबा साहब के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी हमारे पूर्व सरकार ने खोली थी गहलोत साहब ने, उनको उन्होंने बंद कर दिया। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय सदस्य हीरा लाल जी ने दलितों के उत्पीड़न की बात उठाई, जिस शानदार तरीके से उन्होंने कहा हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, और हमारे सीकर में कल परसों एसपी और कलेक्टर को नोटिस देके अनुमति लेकर के एससी के लोगों ने
एक अध्यापक के द्वारा गड़बड़ किए जाने पर, अपमान बाबा साहब का किए जाने पर जुलूस निकाला था, सभा की थी, एडीएम से वो लोग मिल रहे थे प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने आराम से उनको वापस भेज दिया और 18 लोगों पे मुकदमा कर दिया। जिस प्रकार से किसान की और कर्ज माफी की मुद्दा इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्न भेजा है और सुबह नाम पुकार लिया, प्रश्न संख्या पुकार ली, उसके बावजूद कह दिया नहीं बात करेंगे, जाइए गुंडे बदमाश बकवास करते हो, इस तरीके से न तो सरकार की प्रायोरिटी में दलित है, न कानून व्यवस्था है, न किसान की समस्याएं हैं, न कर्ज माफी है, ये केवल मात्र भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही। एक जो बड़ा मुद्दा रहा घनश्याम तिवाड़ी का, जिसको लेकर एक तकनीकी सवाल घनश्याम तिवाड़ी ने खड़ा किया अपनों के सामने। घनश्याम जी जब भी मुद्दे की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब कानून की बात करते हैं, यहाँ अपनी वरिष्ठता के आधार पर जब अपनी बात सदन में रखने का जो उनका अधिकार है उसकी बात करते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। और आज कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए और कांग्रेस की तरफ से सदन में क्या कुछ हुआ वो भी हमने लगातार देखा, वहीं अपनों ने भी बीजेपी को घेरने में आज हम कहें तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम बातचीत के लिए। जयपुर से फिलहाल एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें, कांग्रेस ने राजस्थान में समन्वय समिति का गठन कर लिया है, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए गठन किया गया है, राहुल गांधी के निर्देश पर कमेटी का गठन हुआ है, समिति में प्रदेश प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ ही एआईसीसी महासचिव सीपी जोशी, मोहन प्रकाश, पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया, पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला और हेमराम चौधरी का नाम शामिल है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में राहुल गांधी के निर्देशों के बाद कमेटी का गठन राजस्थान चुनावों को मद्देनजर रखते हुए किया जा चुका है। चलिए श्रीगंगानगर से फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर, 7Z के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एक ऑटो को टक्कर मार दी जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एम्बुलेंस और पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर, ये श्रीगंगानगर में हादसा हुआ है, 7Z के पास ये हादसा हुआ है जहां पर भीषण टक्कर, और आप ये सोचिए कि ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी, ये जो भिड़ंत होगी वो कितनी दर्दनाक रही होगी कि ऑन स्पॉट यानी मौका वारदात पर ही वो घटनास्थल जहां पर ये टक्कर हुई है वहां 5 लोगों की जान जा चुकी है। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एक ऑटो को टक्कर मारी और इसके बाद इस ऑटो में सवार 5 लोगों की मौत होने की जानकारी अब तक मिल पा रही है। हालांकि गाड़ी सवार को लेकर क्या जानकारी है वो जानने की कोशिश जल्दी करेंगे, लेकिन फिलहाल एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। और चलिए सहयोगी हरनेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरनेक इस हादसे को लेकर बात करें तो क्या जानकारी है? जी श्वेता, मैं चित्रा मैं आपको बता दूं कि अब से 10 मिनट पहले ही गंगानगर से कुछ दूरी पे ये बड़ा हादसा हुआ है और एक बहुत तेज रफ्तार जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसने एक थ्री व्हीलर ऑटो को टक्कर मारी है और बताया जा रहा है कि ये जो थ्री व्हीलर है इसमें भी सवारियां ओवरलोड भरी हुई थी। जो हमारे सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार इस ऑटो में लगभग 2 दर्जन के करीब सवारियां भरी हुई थी और ओवर स्पीड जो फॉर्च्यूनर जा रही थी इसने उसको टक्कर मारी है और जो अभी मौके पे सूचना मिल रही है 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी जो गंभीर लोग हैं उनको जिला अस्पताल गंगानगर लाया गया है। और बाकी गाड़ी ड्राइवर को लेकर कोई जानकारी? जी चिता सवाल दोहराएंगे आप? गाड़ी के ड्राइवर को लेकर कोई जानकारी? जी अभी इसका नहीं पता चल रहा है कि मौके पे फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी इस दुर्घटना में घायल हुआ है या उसकी भी मौत हुई है, इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। कुछ जानकारी मिल रही है कि जो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर है वो मौके से फरार हो चुका है और उसका एक साथी है वो भी वहां से फरार हो चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस और गंगानगर की जो पुलिस टीमें हैं वहां पे मौके पे पहुंच चुकी हैं और इस बड़ी घटना के बाद गंगानगर का प्रशासनिक अमला जो है वो भी वहां पे पहुंचना शुरू हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरने की इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ओवर स्पीड थी ये फॉर्च्यूनर कार जिसने ऑटो को टक्कर मारी, हालांकि ऑटो भी ओवरलोडेड था, लगभग 2 दर्जन लोग इस ऑटो में सवार थे और इसी वजह से ये हादसा जिसमें 5 लोगों की जान जा चुकी है, बाकी के घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया जा रहा है नजदीकी। खबरों का सिलसिला जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
गहलोत ने फिर कहा सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। गहलोत की चाय पार्टी में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सहित कई नेताओं ने की शिरकत। इधर दिल्ली में सचिन पायलट ने दिया पत्रकारों को लंच। किसानों पर केंद्रित रह सकता है चुनावी साल का बजट। फसली ऋण और सहकारिता को लेकर हो सकती है कई बड़ी घोषणाएं। बजट की घोषणा को 31 मार्च तक पूरा करेगा सहकारिता विभाग। सरकारी स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने के क्रियान्वयन आदेश स्थगित। गृहमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। मंत्री राजेंद्र राठौर और वासुदेव देवनानी को बनाया गया सदस्य। जयपुर हाईकोर्ट ने बच्चों में कुपोषण को लेकर जताई नाराजगी। प्रदेश में 40% जनसंख्या कुपोषण का शिकार, जिसमें 25% बच्चे। इधर नाबालिग को ढूंढने के नाम पर सैर सपाटा करने में पाली एसपी को फटकार। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब 1,10,00,000 की नकदी के साथ दो यात्री पकड़े गए। आयकर विभाग ने श्रीगंगानगर सहित अन्य जगहों पर आढ़त कारोबारियों के 12 ठिकानों पर मारे छापे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन में एसीबी। जयपुर के दूदू में पटवारी ट्रैप 6,000 की रिश्वत में गिरफ्तार। जमीन की नकल देने के एवज मिली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बजट सत्र की। दलित छात्रा से अश्लील हरकत और जाटपुर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने की इजाजत के मुद्दे पर आज विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विधायक हीरालाल ने अश्लील हरकत के मामले में प्रिंसिपल की ओर से समझौते का दबाव डालने की बात कही, तो वहीं विधायक धीरज गुर्जर के बहाने बीजेपी पर जातियों को लड़ाने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। शून्यकाल के शुरुआत में ही विधानसभा में विधायक हीरालाल ने टोडा राय सिंह में प्रधानाचार्य द्वारा दलित छात्रा से अश्लील हरकत का मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल में बहिर्गमन करने वाले कांग्रेस सदस्य इसी दौरान सदन में आए। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और कहा कि दलित छात्रा से छेड़छाड़ हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मामले को टाला जा रहा है और जवाब देने के लिए सदन में गृह मंत्री भी नहीं है। विधायक हीरालाल ने अश्लील हरकत का मुद्दा उठाया और कहा कि टोडा राय सिंह में दलित छात्रा से अश्लील हरकत हुई है, प्रधानाचार्य ने अश्लील हरकत की है, साथ ही विरोध और जांच होने पर धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्रा पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है। वहीं जहाजपुर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने के मसले पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अंबेडकर की मूर्ति का मसला कांग्रेस विधायक धीरज गुर्जर ने उठाया और कहा कि नगरपालिका ने कलेक्टर को लिख दिया, नगरपालिका को एनओसी नहीं मिल रही, अंबेडकर आदर्शों की आज जरूरत है और राज्य सरकार अनुमति नहीं दे रही। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने गुर्जर से सवाल किया कि आपने कितने पैसे दिए। इस पर गुर्जर ने कहा कि मैंने लाइब्रेरी के लिए पैसे दिए, अंबेडकर सर्कल में मूर्ति लगाएं। उधर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने जवाब दिया कि मूर्ति लगाना नहीं, हिंदू मुस्लिम झगड़े का आरोप लगाना इनका उद्देश्य है। संभागीय आयुक्त ने मूर्ति का स्थान उपयुक्त नहीं माना। संभागीय आयुक्त ने जारी कर दी स्वीकृति, तब स्थानीय लोगों ने आपत्ति की। अंबेडकर विचार मंच ने कहा पीडब्ल्यूडी की सीमा में लगाई जाए मूर्ति। संभागीय आयुक्त स्वीकृति के बाद नगरपालिका मूर्ति लगाएगी। मंत्री ने कहा कि विचार मंच दूसरी जगह और आप किसी और दूसरी जगह मूर्ति लगाने की कह रहे हो। विधानसभा में दलित राजनीति गरमाई रही। स्थानीय विधायकों ने अपने क्षेत्र की राजनीतिक जरूरत के हिसाब से इन मुद्दों को उठाया। ऐसे में हंगामा होने से काफी देर तक सदन बाधित भी रहा। शशिमोहन शर्मा, योगेश शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, ऐश्वर्य प्रधान, नरेश शर्मा के साथ ऋतुराज शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। वहीं विधानसभा में भाजपा विधायक घनश्याम तिवारी ने राज्यपाल अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव न रखने देने को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठाया और सरकार को एक बार फिर से मुश्किल में डाला। नियम 15 के तहत बोलने को लेकर उन्होंने आसन पैरों पर होने और आसन के अनुरोध के बावजूद सदन का बायकॉट कर दिया। आलम यह रहा कि उनके इस कदम पर 15 मिनट से भी ज्यादा समय तक हंगामा होता रहा। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के समय अजीब स्थिति पैदा हो गई। भाजपा विधायक घनश्याम तिवारी ने व्यवस्था का सवाल उठाया और कहा कि मैंने राज्यपाल अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव दिया था और मुझे अब तक बोलने नहीं दिया गया।
हालांकि राव राजेंद्र ने उनसे बैठने का निवेदन किया, लेकिन तेज में आए तिवाड़ी ने बॉयकॉट की घोषणा की। इस पर विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र उठ खड़े हुए और आसन के पैरों पर होने का हवाला दिया, लेकिन तिवाड़ी इस पर भी नहीं माने और उनके इस कदम पर हंगामा हो गया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राज्यपाल अभिभाषण पर तिवाड़ी कहना चाहते थे, हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन तिवाड़ी का आचरण निंदनीय। राजकुमार शर्मा ने कहा कि आप घनश्याम तिवाड़ी का रोजाना अपमान करते हैं। मानिक चंद सुराणा ने कहा कि तिवाड़ी को पहले दिन बोलने का मौका देना चाहिए। मदन राठौड़ ने कहा, तिवाड़ी का नाम है क्या? इस पर राव राजेंद्र सिंह ने कहा, इसके लिए आसन नहीं बाध्य है, आसन जब जिसे चाहेगा बुलाएगा। राव राजेंद्र ने सख्त लहजे में कहा कि उसे बाध्य न किया जाए। वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि उन्हें कल मैंने भी बोलने के लिए कहा था, वे खुद बोलना नहीं चाहते थे, आप निर्देश नहीं देंगे, बैठ जा। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सांगानेर से आने वाले सदस्य अल्पमत सदस्य नहीं है, सचेतक उप सचेतक तय करते बोलने का क्रम, सब सदस्यों में कोई न कोई खूबी है, किसी को सीनियरिटी का भ्रम नहीं होना चाहिए। सत्तारूढ़ दल में आंतरिक लोकतंत्र है। वहीं राव राजेंद्र ने कहा कि कोई अनुशासित रहकर बोलना चाहे तो अनुमति देंगे, कोई बोलने से रोक रहा है ये मिथ्या है। दोनों उप मुख्य सचेतकों को राव राजेंद्र ने हिदायत दी, कहा आप दोनों से भी बाहर जाने को कह सकता हूँ। प्रतिपक्ष ने लगाया था आरोप, सरकार के मुख्य सचेतक ने नहीं दिया था तिवाड़ी का नाम, उपाध्यक्ष राव राजेंद्र ने दी व्यवस्था, दोनों पक्षों के सचेतकों के अनुसार नहीं दिया जाता है मौका, समय उपलब्धता मुताबिक सदस्य को नहीं दिया जाता है मौका, कोई गलत फहमी में नहीं रहे, किसी के दबाव में काम नहीं करता आसन। जिस सदस्य पर बहस कर रहे थे वे चले गए, उनका इतना भी धैर्य नहीं कि आसन की सुनते, और अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। वरिष्ठ सदस्य का नाम था लेकिन कब पुकारता वो आसन पर निर्भर है। इधर विधानसभा के बाहर घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि जिस तरह से मुझे नहीं बोलने दिया गया उस तरह मैं भी मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर 7Z के पास आपको बता दें भीषण सड़क हादसा हुआ। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। यहां पर आपको ये भी बता दें कि ये ऑटो ओवरलोडेड था, लगभग दो दर्जन लोग यहां पर इस ऑटो में सवार थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं भीषण ये टक्कर, जिसके बाद गाड़ी के फॉर्च्यूनर गाड़ी का सामने वाला जो पोर्शन होता है बोनट पूरी तरीके से डैमेज है और 5 लोगों की
इस हादसे में आपको बता दें कि अब तक जान जा चुकी है, वहीं लगभग एक दर्जन लोग घायल हुए हैं जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। गाड़ी के ड्राइवर की हम बात करें तो गाड़ी का ड्राइवर और उसका एक साथी इस घटना के बाद से ही मौके से फरार है, लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हुई है उसके चलते अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑटो की हालत क्या हुई होगी। आप गाड़ी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी की ये तस्वीरें हैं जिसकी तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ, एक ऑटो को टक्कर मारी, ऑटो ओवरलोड था इसलिए पांच लोगों की मौके वारदात पर मौत हो गई, वहीं लगभग एक दर्जन लोग घायल भी हुए। चलिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और बात राजनीति की। तीन उपचुनावों की पराजय से पैदा हुए निराशा भाव से उभरने के लिए अब बीजेपी लगातार कोशिशों में जुट गई है। बीजेपी ने सोशल मूव का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई और जिम्मेदारों की भूमिका तय की गई कि अलग अलग समाज से बात करनी है और उनकी पीड़ा को शांत करना है। वी सतीश ने कहा कि पराजय से घबराए नहीं बल्कि पुरुषार्थ इसमें है कि भावी विजय की ओर बढ़े। अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ की पराजय ने प्रदेश भाजपा को झकझोर दिया है। कार्यकर्ता के मन में फैली उदासी को दूर करने के लिए प्रदेश बीजेपी ने प्रयास शुरू किए हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने प्रदेश पदाधिकारियों और निगम बोर्ड अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की बैठक ली और तय किया कि उन समाज तक पहुंचना है जिनका बीजेपी के साथ पुराना जुड़ाव रहा है, साथ ही उन समाजों तक भी पहुंचना है जो पार्टी से अभी दूर हैं। इस सोशल मूव सहित अन्य कार्यक्रम जारी किए गए। बूथ निर्माण, बूथ अध्यक्ष टीम का कार्य पार्टी के झंडे लगाना, पूर्व कार्यकर्ता और पूर्व जनप्रतिनिधि से संपर्क कर जिम्मेदारी देना, सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी प्रवास पर फोकस करेंगे। 6 अप्रैल को बड़े स्तर पर मनेगा बीजेपी स्थापना दिवस। बूथ स्तर पर बीजेपी की रीति नीति पहुंचाने का लक्ष्य, केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थी तक पहुंचने का लक्ष्य, नव मतदाता सम्मान कार्यक्रम, पीएम बीमा योजना का प्रचार प्रसार, दीवार लेखन और स्टिकर माध्यम से प्रचार प्रसार, व्यापारिक सामाजिक संगठनों से संवाद और श्रद्धा केंद्रों से संपर्क करना। हर दो महीने में हम एक बार हमारे पदाधिकारियों के साथ बैठकर के चर्चा करते हैं और आने वाले के जो अपने पार्टी के कार्यक्रम है किस प्रकार से और पार्टी को मजबूत करना है उस दिशा हमारा विचार विमर्श होता रहता है, उसी दिशा में ये बैठक हो रही है। अभी हमारा नव मतदाता का अभियान हमारा चल रहा है जिसके तहत हमने करीबन 2 लाख से अधिक नवदाताओं को हमने मतदाता बनाने का काम किया है। दरअसल बीजेपी को ये एहसास है कि उपचुनाव में परंपरागत वोट हाथ से चले गए और भारी पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी अब सोशल मूव करने जा रही है। मकसद साफ है, उस परंपरागत वोट बैंक में फिर विश्वास को जगाना जो रूठा है। जी मीडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। गहलोत ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी ने लोगों से लुभावने वादे किए लेकिन बाद में जनता को ही भुला दिया। साथ ही गहलोत ने सरकार पर पुरानी योजनाओं को बंद करने का आरोप भी लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 4 साल से हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अब 4 साल बाद रिफाइनरी को फिर शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वही 26% भागीदारी रखी जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रखी थी। हमारी जो योजनाएं थी उनको ठप सा कर दिया या नाम बदल दिए। बड़ी योजनाएं थी जो रिफाइनरी की या मेट्रो की या ब्रॉडगेज की या अरुण नदी बांध की, कोच फैक्ट्री की, वो पता ही नहीं उनका क्या हुआ। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार की हदें पार कर रही हैं। गहलोत ने कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी हर साल जश्न मनाती रही और इस काम में भी सरकारी पैसे का ही दुरुपयोग हुआ है। गहलोत ने सामराऊ की घटना को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में फेल रही है। उल्टा इन्होंने क्या किया है कि 4 साल जश्न मनाए हर साल सरकारी पैसे से, बीजेपी अपने खर्चे से मनाए तो कोई बात नहीं, पर सरकारी पैसे का धन का दुरुपयोग किया गया। जो घाव दिए उन्होंने काम नहीं करके, जश्न मना के घावों पे नमक छिड़का गया। उन्होंने देश में संवेदनहीनता, हिंसा की राजनीति पर कहा कि ये खत्म होना चाहिए। साथ ही कहा कि मुझे पीएम की सोच पर तरस आता है, पीएम ने संसद में जो बोला वो गलत था, पीएम अपराध बोध से ग्रसित हैं। उन्होंने पीएम को जवाब देते हुए कहा कि सोनिया गांधी प्रोसेस पूरा हुए बिना नहीं आती, ये सब कुछ दस्तावेज में है और सरकार चाहे तो इसकी जाँच करा ले। ये इस बात का द्योतक है कि इन्होंने खुद ने लापरवाही के साथ में
शबनहीनता के साथ में शासन किया है। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विपक्ष पर मुखर हो रहे हैं और भाजपा पर निशाना साधने में नहीं चूक रहे। कह सकते हैं कि चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोपों का ये सिलसिला और जोर पकड़ेगा। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने पलटवार किया है। परनामी ने कहा कि गहलोत को उपचुनाव जीत पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको भी जनता ने एक बार 153 से 21 पर ला दिया था। परनामी ने कहा कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको वो स्वीकार करते हैं। साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने चार साल में जनता के हित में कई काम किए हैं और जनता इसे जानती है। ये देखिए, मैं गहलोत साहब को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप 153 पे थे और आप 20 पे सिमट गए थे। ये राजस्थान प्रदेश की जनता है, वो सब देखती है। हम 163 विधायक जीत के आए, 25 के 25 लोकसभा जीत करके आए, उसके बाद नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत के चुनाव हुए जो निरंतर 2.5 वर्षों तक चलते रहे, उसको हम जीत के आए। आज से 7 महीने पहले धौलपुर का उपचुनाव था, उसको हमने 37,000 से अधिक मतों से हम जीते। तो इतना अभिमान गहलोत साहब को नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। हम निश्चित रूप से हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच, जनता की आवाज को सुनते हैं, और जितना विकास का काम इन 4 वर्षों में हुआ, हम आज फिर दावे के साथ कहते हैं कि उतना विकास का काम कांग्रेस ने अपने 5 वर्षों में नहीं किया। और कांग्रेस राजस्थान विधानसभा के चुनाव सभी राज्य स्तरीय नेताओं के सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, ये कह रहा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। गहलोत ने अपने आवास पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से कहा कि उपचुनाव में जीत का क्रेडिट किसी एक कांग्रेस नेता को दिया जाए, ये सब मीडिया की उपज है। गहलोत ने एक बार फिर से सीएम बनने जैसी बातों पर भी मीडिया की उपज करार दे दिया। इन बातों को उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता एक हैं और चुनाव भी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। गहलोत ने दावा किया कि कभी भी पार्टी में पद के लिए लॉबिंग नहीं की। मैं जब कहता हूं उसके बावजूद भी कि मैंने मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ 77 के चुनाव के टिकट मांगा कांग्रेस से, उसके अलावा मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बनाऊंगा, 3 बार केंद्रीय मंत्री बना इंदिरा जी, राजीव जी और नरसिम्हा जी साथ में, 3 बार पीसी अध्यक्ष बना हूं, 2 बार मैं एआईसी महामंत्री बना हूं और 10 साल मुख्यमंत्री रहा हूं। मैंने कोई पद नहीं मांगा, ना लॉबिंग करवाई और ना पद मांगा, और आगे भी मैं कोई पद नहीं मांगने वाला हूं, लॉबिंग नहीं करवाने वाला हूं। देना है अगर जो आदेश हाईकमांड का होगा, जो जिम्मेदारी निभानी मुझे, वो मैं निभाऊंगा पार्टी के लिए। मेरे लिए पार्टी प्रायोरिटी है, वो पद की बजाय है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जयपुर के निजी दौरे पर रहीं। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर पाटिल के सम्मान में टी पार्टी का कार्यक्रम रखा और गहलोत ने अपने परिवार सहित पाटिल की अगवानी की। इस दौरान गहलोत ने पूर्व राष्ट्रपति को पार्टी नेताओं, पूर्व मंत्रियों, सांसदों, विधायकों सहित डॉक्टर अशोक पनगड़िया और डॉक्टर सुधीर भंडारी से भी मिलवाया। प्रतिभा पाटिल ने गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ नाश्ता किया और इसके बाद संक्षिप्त प्रेस बातचीत में पाटिल ने कहा कि यहां राज्यपाल कार्यकाल के दौरान उन्हें बहुत
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर 7Z के पास आपको बता दें भीषण सड़क हादसा हुआ। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। यहां पर आपको ये भी बता दें कि ये ऑटो ओवरलोडेड था, लगभग दो दर्जन लोग यहां पर इस ऑटो में सवार थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं भीषण ये टक्कर, जिसके बाद गाड़ी के फॉर्च्यूनर गाड़ी का सामने वाला जो पोर्शन होता है बोनट पूरी तरीके से डैमेज है और 5 लोगों की इस हादसे में आपको बता दें कि अब तक जान जा चुकी है। वहीं लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। गाड़ी के ड्राइवर की हम बात करें तो गाड़ी का ड्राइवर और उसका एक साथी इस घटना के बाद से ही मौके से फरार है, लेकिन जिस तरीके से ये गाड़ी डैमेज हुई है उसके चलते अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑटो की हालत क्या हुई होगी। आप गाड़ी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी की ये तस्वीरें हैं जिसकी तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ। एक ऑटो को टक्कर मारी, ऑटो ओवरलोड था, इसलिए 5 लोगों की मौके वारदात पर मौत हो गई। वहीं लगभग 1 दर्जन लोग घायल भी हुए। चलिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और बात राजनीति की। 3 उपचुनावों की पराजय से पैदा हुए निराशा भाव से उभरने के लिए अब बीजेपी लगातार कोशिशों में जुट गई है। बीजेपी ने सोशल मूव का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बैठक हुई और जिम्मेदारों की भूमिका तय की गई कि अलग अलग समाज से बात करनी है और उनकी पीड़ा को शांत करना है। वी सतीश ने कहा कि पराजय से घबराए नहीं, बल्कि पुरुषार्थ इसमें है कि भावी विजय की ओर बढ़े। अजमेर, अलवर और मांडलगढ़ की पराजय ने प्रदेश भाजपा को झकझोर दिया है। कार्यकर्ता के मन में फैली उदासी को दूर करने के लिए प्रदेश बीजेपी ने प्रयास शुरू किए हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने प्रदेश पदाधिकारियों और निगम बोर्ड अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की बैठक ली और तय किया कि उन समाज तक